झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सैनिटरी पैड बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि ये सभी महिलाएं कुछ साल पहले जब रघुवर दास मुख्यमंत्री नहीं थे तब उनसे मुलाकात कर रोजगार की गुहार लगाई थी और उस वक्त रघुवर दास ने इन महिलाओं को कुछ पैसे देकर रोजगार करने को कहा था। आज ये महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह बनाकर बड़े पैमाने पर सैनिटरी पैड बनाने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इन महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा बनाए गए सारे नैपकिन को सरकार खरीदेगी और इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबको समझने की जरूरत है, सबको नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, लेकिन भगवान ने उसे भी बुद्धि दी है तो उसके हाथ में हुनर पैदा करना और हुनर पैदा करके स्वरोजगार देना। यहाँ भी हमने देखा बागुनाथों की महिलाओं ने 15 महिलाओं की ग्रुप बनाया, नेपकिन बनाने का काम कर रही है। अब इसका मार्केट ये लोग नहीं करते, ये बात हमारे ध्यान में आई थी तो हम लोग भी स्कूल में बच्चियों को नेपकिन देते हैं। हर साल राज्य सरकार 25 करोड़ रुपए का नेपकिन ठेकेदार के द्वारा से करता है। इस बार बजट में हमने घोषणा किया कि राज्य की जो हमारी स्वयं सहायता महिला ग्रुप नेपकिन बनाएगी वो नेपकिन सारा राज्य सरकार हेल्थ विभाग करेगा और सारे स्कूल के बच्चियों को ये नेपकिन दिया ताकि हमारी राज्य की बहनों को स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैर पर खड़ा हो सके। जहां एक ओर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिलाओं के काम और लगन को सराहा तो वहीं महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर मदद नहीं मिली होती तो शायद ये सफलता नहीं मिलती। ये बागुनहातु दास बस्ती में जो हम लोग सैनिटरी नेपकिन का मशीन बैठाए हैं तो यहाँ की गरीब महिला को एक रोजगार मिल गया है और ऐसे भी हम लोग के बागुनहातु स्लम एरिया में गिनती आते हैं दास बस्ती, तो यहाँ के महिला को रोजगार के मिल गया और दो पैसा अपना कमा सकते हैं। हम पहुंचे थे जान के तो सीएम को खुशी लगा होगा कि उसका यहाँ पे काम चल रहा है बोल के, और हम लोग को भी बहुत खुशी है कि सीएम हम लोग के बाबू हाथों के लिए जो इतना सोचे कि यहाँ की महिला लोग को एक रोजगार मिल जाए बोल के। भुखमरी की शिकार ये महिलाएं आज न सिर्फ मेहनत के बल पर अपना और अपने परिवार का पेट भर रही हैं बल्कि राज्य और देश की GDP को बढ़ाने में भी अहम योगदान दे रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।